तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ मस्त से गेम पीसी लेकर आया हूँ, वो भी 20-25 हज़ार के रेंज के अंदर। अगर आप लोगों ने इस पीसी को बाय कर लिया ना तो आपको यार 3-4 साल तक जो है इसको अपग्रेड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं ये फुली अपग्रेड वर्जन के साथ आते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं एंड कौन से ब्रांड का ये हमारा फुल सेट रहने वाला है। तो गाइस बात करते हैं हम लोग इसके मॉनिटर से कि आप लोग को जो है इसमें कितने इंच का मॉनिटर देखने को मिलने वाला है। तो पहले बात मैं आपको बता दूं, ये जो है ज़ूनिस ब्रांड की तरफ से आता है और इसके साथ आप लोग को जो है 20 इंच का फुल HD वाला मॉनिटर देखने को मिल जाता है। और ये जो फुल सेट है ये ज़ूनिस ब्रांड की तरफ से आता है, चाहे हमारा मॉनिटर हो, चाहे गेमिंग CPU, चाहे कीबोर्ड एंड माउस, सभी जो है ज़ूनिस ब्रांड का ही है। अब हम बात करते हैं अपने गेमिंग CPU की, भाई गेमिंग CPU के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इसकी रैम से कि भाई आप लोग को इसमें जो है कितने GB की रैम देखने को मिलने वाली है। तो वैसे जो है इसमें 8 GB का आपको रैम देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पे डबल स्लॉट आप लोग को दिए गए हैं। इन फ्यूचर अगर आप लोग को 8 GB रैम थोड़ी कम लगती है तो आप लोग को एक स्टिक को और लगा देना है, देन 8+8 जो है ये 16 GB तक जो है इजिली एक्सपैंड हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके भाई प्रोसेसर की, यार इसमें कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया गया है, क्योंकि ये हमारा गेमिंग PC है तो इसमें अच्छा खासा प्रोसेसर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसके अंदर जो है कोर i5 का जो है 7th generation का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। ये जो प्रोसेसर है खासतौर पे गेमिंग एंड एडिटिंग के लिए बिल्ड किया गया था, तो आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हो कि आप लोग को किस लेवल का जो है इसमें एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं भाई इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया है, विंडो 10 का है या विंडो 11 का। देखो मार्केट में तो विंडो 10 11 का प्रोसेसर है, लेकिन इसमें जो है आप लोग को विंडो 10 प्रो का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई इसके हार्ड डिस्क और SSD की, कि भाई इसमें कितने GB के हार्ड डिस्क एंड SSD हमें देखने को मिलेगी। सो देखो यहाँ पे हार्ड डिस्क हो या SSD हो ये हमारे स्टोरेज के ही काम आती हैं। सो इसके अंदर जो है हार्ड डिस्क को हटा दिया गया है एंड केवल जो है इसके अंदर SSD ही यूज़ किया गया है, जिससे हमारा PC काफ़ी स्मूथ तरीके से काम करता है। तो अब बात आती है भाई इसके अंदर SSD कितने GB की यूज़ की गई है। सो इसके अंदर जो है आप लोग को 512 GB की जो है SSD देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी SSD आपको मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं भाई इसके ग्राफिक कार्ड की, कि यार इसके अंदर जो है मुझे कितने GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा। सो आप लोग को जो है इसके अंदर GT 730 का जो है 4 GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, जिससे आप लोग GTA 5, फ्री फायर एंड PUBG जैसे गेमों को काफ़ी इजी तरीके से खेल पाओगे। अगर आप लोग को प्रोसेसर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी चाहिए तो आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हो कोर i5 750, जैसे आप सर्च करोगे आपके उसकी फुल डिटेल देखने को मिल जाती है। सो अब हम बात करते हैं भाई इसके कीबोर्ड एंड माउस की। सो मैंने पहले ही आपको बताया था इसमें आप लोग को ज़ेब्रोनिक ब्रांड का ही कीबोर्ड एंड माउस देखने को मिलने वाला है। सो अब हम बात करते हैं फाइनली भाई इसके प्राइस की, यार इसका प्राइस एक्चुअल में हमें कितने में मिलेगा। देखो अमेजोन पर जो इसका प्राइस चल रहा है फिलहाल 24,000 का है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को जो है कुछ कार्ड का डिस्काउंट लग जाता है। सो आप लोग के PC केवल और केवल जो है 22,000 से 23,000 रुपये के बीच में जो है आप लोग इस PC को डायरेक्टली अमेजोन से बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप लोग इसकी अनबॉक्सिंग चाहिए, जो मैंने आपको PC बताया इसकी आप अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं डेफिनेटली इस PC को ऑर्डर करूंगा और अनबॉक्स करके आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करके जाना।